ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66। सो इट सेज हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन असेंबलिंग थ्री चार्ज्ड पार्टिकल्स एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर 5। सो ये जो थ्री चार्जेस हैं, 2 × 10⁻⁵ 4 और 3, राइट, इन्हें हम अरेंज करते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे। एंड ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। सो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? सो आप देखो, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास Q1 चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास Q2 चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास Q3 चार्ज है। इसे अगर हमें इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे अरेंज करना है, देन हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? आप देखो कि लेट्स से हम पहले Q1 को लेके आते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q1 को लेके आते हैं। Q1 को लाने में हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अभी Q1 को अपोज करने के लिए हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं है। देन जब आप Q2 को लेके आओगे, देन Q2 को लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जो Q1 है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q2 पे एक फोर्स लगेगा, जो Q1 है वो Q2 को अपोज करेगा ना, उसे रिपेल करेगा। सो दैट्स वाई Q2 को लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? दैट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो सेपरेशन है, लेट्स से जो सेपरेशन है दैट इज ए, है ना, ए। सो Q1 Q2 / A, और यही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब आप Q3 को लेकर आओगे, अगेन आपको वर्क करना पड़ेगा, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट और Q2 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। Q1 कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क आपको करना पड़ेगा, दैट विल बी Q1 × Q3 डिवाइडेड बाय इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज अगेन ए है, राइट। एंड जो Q3 को लाने में Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क होगा, दैट विल बी Q2 Q3 डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो सेपरेशन है, दैट इज ए, और यही पोटेंशियल एनर्जी होता है। सो बेसिकली किसी सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क करना होता है, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो बेसिकली ही इज आस्किंग वॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अभी हमने निकाला कितनी आ जाएगी, इन तीनों को आप ऐड कर लो, ये जो तीन टर्म्स आपने निकाले हैं इनको आपको ऐड कर लेने हैं। सो K/A तो सब में कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, Q1 Q2 + Q2 Q3 + Q1 Q3, है ना। लाइक K/A जो है सभी में कॉमन है, तो वो मैंने कॉमन ले लिया, और जो चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन है और उनका एडिशन, वो हम एक साथ ले लेते हैं। तो जस्ट आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹, जो ए है दैट इज द एज, है ना, ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज 10 सेंटीमीटर, और यू कैन से 0.1 मीटर। सो 0.1 × Q1 × Q2 Q2 × Q3 एंड Q1 × Q3। सो जो वैल्यूज आपको दे रखी है 2, 3 और 4, है ना। सो Q1 जो है वो है 2 × 10⁻⁵, Q2 जो है वो है 3 × 10⁻⁵, और जो Q3 है दैट इज 4 × 10⁻⁵। तो आप देखो, ये जो पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा, दो चार्जेस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 10⁻⁵, 10⁻⁵, ये हो जाएगा 10⁻⁻। अब हम सिंपली ये जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 × 3 दैट इज 6 प्लस 3 × 4 दैट इज 12 एंड 4 × 2 दैट इज 8, राइट। सो आप देखो, ये 0.1 है, ऊपर जाके 10⁻⁰ हो जाएगा, 10⁻⁰ और 10⁻⁻⁰ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो 9 × ये कितना हो गया, ये हो गया 26। सो 26, सो चेक करो कितना आ रहा है, 5 × 2 = 34 जूल, राइट। सो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड। बेस्ट ऑफ लक। बाय।